बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद आसिफ मूसा मंसूर, योर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड द सिल्वर लाइनिंग, दैट इज यूनिट नंबर 2 ऑफ आवर इंग्लिश बुक for grade 8. My dear students, this was the last line till we had read now going ahead here. The lady had a very pleasant face, all smiles and kindness. खातून थी, उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा खुशगवार था, चेहरे पे मुस्कुराहट और kindness उनकी मौजूद थी। The husband was a huge swarthy man with large bony limbs. उनके जो हस्बैंड थे, उस खातून के जो हस्बैंड थे, वो बहुत हेल्दी थे और लंबी लंबी उनकी टांगे थी और बॉनी लिम्स, यानी उनके जो ना समझे कि भरा हुआ जिस्म था। He was extremely well mannered, और ये जो हजरत थे वो इंतहाई दर्जे के तमीजदार इंसान मालूम होते थे। This is after the landlady took me in hand the moment I arrived. कह रहे मिसेस अहद, यानी उस बंदे का नाम अहद था, उनकी वाइफ जो कि घर के बालकन थे। जैसे ही मैं उस गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे फौरन से वेलकम किया, टुक मी इन हैंड मतलब मुझे फौरन से उन्होंने वेलकम किया। जैसे ही मैं वहां पर उस घर में दाखिल हुआ, जो गेस्ट हाउस था वहां पर जैसे ही मैं दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे वेलकम किया। She looked after my luggage, gave instructions regarding my room, had a cup of delicious coffee produced in no time. कह रहे उन्होंने मेरी देखभाल की, मेरे सामान को जो है ना ख्याल से रखा, वो जो उन्होंने instructions बताई जो मेरे room से relevant थी, कहाँ पर क्या चीज रखी हुई है और आपको जो चाहिए वो यहाँ पर से मिल जाएगा। और साथ ही उन्होंने बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी, डिलीशियस कॉफ़ी जो कि फौरन से तैयार की उन्होंने, वो भी मुझे उन्होंने पेश किया। एंड देन पुट मी एट माय ईज बाय टॉकिंग टू मी इनफॉर्मली अबाउट माय सेल्फ एंड माय विजिट। फिर कह रहे वो मेरे साथ बैठ गई और बैठने के बाद जो है ना वो बिल्कुल इनफॉर्मल हो गई, बिल्कुल दोस्तों की तरह उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दी और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप बताएं कि क्यों यहाँ पर घूमने आए हैं, आपके विजिट का मकसद क्या है, कुछ अपने बारे में बताएं। यानी किस तरह से करते हुए इनफॉर्मल वे के अंदर मुझसे बातें करना वो शुरू हो गई। आई वॉज कम्प्लीटली वॉन ओवर बाई द फैमिली, मैं मेरा दिल जो है ना इस फैमिली ने फौरन से और मुकम्मल तौर पर जीत लिया। It appeared as if I had known them for years. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको कई सालों से जानता हूँ, यानी मेरी अभी तो थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन इस थोड़ी देर की मुलाकात के अंदर आपने ऐसी चीजें मुझ पर छोड़ दी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे कई अरसे से दोस्त है। While thus chatting with the two men, I became aware of the slightly built girl hiding behind the stadium. कह रहे कि मैं इन दोनों से, उस शख्स से और उसकी बीवी से, अहद से और मिसेज अहद से जब बात कर रहा था, तो मुझे एक छोटी सी गुड़िया जो कि स्टेडियम के पीछे छुपी हुई थी, उसका थोड़ा सा हल्का सा जो है ना चेहरा नजर आना शुरू हो गया, जैसे बच्चे पर्दे के पीछे छुप कर अपना थोड़ा सा चेहरा ऐसे घुमा के दिखाते हैं,
फिर फौरन से वापस पढ़ने के पीछे छुप जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बच्ची सेठी के पीछे छुपी हुई थी और हल्के कैसा चेहरा ऊपर करके वो शायद मुझे देखने की कोशिश कर रही और मैंने भी जो है उस बच्चे को देख लिया। She must have been about 8. उस गुड़िया की उम्र 8 साल होगी। And was sweet and charming like her mother. And was trying to avoid me. वो जो बच्ची थी वो 8 साल की तकरीबन उसकी उम्र 8 साल होगी। और ये बच्ची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा चार्मिंग थी उसकी अम्मी की तरह। लेकिन मसला क्या था, वो मुझे अवॉइड कर रही थी, मुझसे जो ना वो आंखें चुरा रही थी, मुझसे शायद डर रही होगी, व्हाटएवर। ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। आई कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग, मुझे जो है ना वो मुस्कुराना मैं शुरू हो गया, मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। आई सॉ दैट शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मैं देख रहा था कि वो बच्ची मुझे घूर घूर के देख रही है। आई सेड व्हाट्स योर नेम एंड बैकेन टू हर टू कम टू मी, मैंने उस बच्ची को मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा, हाँ बेटा इधर आइए, आपका नाम क्या है। The girl became immediately self-conscious, shook her head and stood where she was. वो जो बच्ची थी वो फौरन से अपने आप को उसने संभाला self-consciously और उसने अपने सर को हिलाकर जहाँ वो खड़ी हुई थी वहीं के वहीं वापस खड़ी हो गई। I called once more. Hello. Come here, dear. मैंने एक और दफा कहा कि बेटा आ यहाँ पर, बेटा यहाँ ये सेठी के पीछे से आप अम्मी पापा के पास आइए। She blushed and again shook her head. After a second, she ran up. I thought I saw tears in her eyes. क्या क्या कह रहे हैं कि उसने जो है शर्माते हुए अपने चेहरे को आगे खींच लिया और दोबारा से जो है ना वो सीट पे जाके बैठ गए। अच्छा फिर क्या हुआ, वो थोड़ी देर के बाद जो है ना वापस से वो पीछे खड़ी रह गई और फिर थोड़ी देर के बाद भाग के किसी और तरफ चली गई। अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये बच्ची उसकी आंखों में आंसू आए होंगे, यानी रोने जैसा उसका मुंह है। I suddenly became aware of an awkward pause in the room and turning to look at the others, I discovered that both of them were frowning a painful look on their faces. Mr. Ahad said, apologetically, I'm sorry, Mr. Nadeem. You see, our daughter cannot hear anything, nor speak. That's why she did not come to you. Achha, I suddenly became aware of an awkward pause in the room. Mujhe aisa laga thodi der ke room ke andar jo hai khamoshi ho gayi hai. और मैंने मिस्टर अहद की तरफ देखा, उनकी वाइफ और वो दोनों जो है ना उनका चेहरा बता रहा था कि बहुत ज्यादा तकलीफ दे चेहरा है। अच्छा अहद साहब ने कहा, माजरत मिस्टर नदीम, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, असल में बात यह है कि हमारी जो गुड़िया है ना वो कुछ सुन भी नहीं सकती और कुछ बोल भी नहीं सकती, इसी वजह से वो आपके पास नहीं आई, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि आप उससे बात कर रहे हैं और उसे बुला रहे हैं। ठीक है, नहीं ये आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप रेडी है आपके, क्या कहते हैं, ओके। आई गेस्ड एंड मटरिंग समथिंग अबाउट बीइंग सॉरी,
I became confused and did not know what more to say, for I was feeling ashamed at my forwardness with a child who was obviously not in the position to respond to my approaches of friendship. I vaguely felt that I had wronged her and her parents. कहते हैं मैंने लंबा सांस लिया और लंबा सांस लेने के बाद मैं अपने आप से जो है ना वो बातें करना शुरू हो गया और मैंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि यार आपने कैसे किसी बच्चे यानी कैसे आपने जो है ना किसी गुड़िया का दिल दुखा दिया। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं क्यों ऐसा क्या हो गया कि मैं आगे बढ़ के उस छोटी सी गुड़िया के साथ बातें करने के लिए आगे बढ़ा जो कि ऑब्वियसली इस पोजिशन में नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सके और मैंने क्यों खामोखा जो है वो किसी का दिल दुखाया और उस गुड़िया को जो है ना फ्रेंडशिप की तरफ बुलाया। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि मैंने जो है ना गुड़िया के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ ये जो बातचीत करने की कहानी थी वो गलती की है, कोई बड़ी सी गलती कर दी। It did not take me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily, for every day one or two guests left and new ones came along, and at the very first meeting soon afterward they would run into the child, be fascinated by her charm and beauty and want to talk to her, to part, to pet her and so on. कि फिर मुझे ये एहसास हुआ ये तो रोजाना का मसला होगा, ये बेचारे वालदैन रोजाना कोई ना कोई गेस्ट नहीं आता होगा, रोजाना कोई ना कोई जो है ना बंदा जाता होगा और रोजाना जो है ना कोई बच्चा कोई बंदा जो है छोटी सी गुड़िया को देख रहा होगा और इसकी खूबसूरती की वजह से, इसकी मासूमियत की वजह से, इसके चुलबुलेपन की वजह से मुतासर होता होगा और वो चाहता होगा कि इस गुड़िया से बात करें, उसको शाबाशी दें, लेकिन एंड एवरी टाइम इट वुड डिजर्ट इन टू द चाइल्ड साइलेंटली स्माइलिंग साइंग एंड विथड्रॉइंग लीविंग लुक्स ऑफ एगोनी ऑन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स। और हर दफा ऐसा होता होगा कि बच्चा लेकिन मुस्कुरा लेकिन नजारे कर पाए, लेकिन जब सामने वाला कोई गेस्ट इस गुड़िया के साथ सलाम दो कर रहा होगा जब रिस्पॉन्स ना होने की वजह से वालदेन के चेहरे पे हर वक्त उदासी हर गेस्ट जो है ना वो फेंकते जा रहा हूँ। हमने पहली लाइन पढ़ी थी ना कि हम इंसान के चेहरे को देखकर उसकी खुशी या गमी का इजहार नहीं कर सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इमोशंस की क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। यहाँ देखे पेरेंट्स कितने होशियार विशार कितने खुश और कितने अच्छे थे, लेकिन अंदर से देखो उनको क्या तकलीफ पहुंची, अंदर से उनको क्या मसाइल पड़ रहे हैं। ठीक है, ऑफन इट विल लीड टू लेंथी एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ द क्लैमिटी हैड कम अबाउट, फॉर मेनी ऑफ द इनक्विजिटिव विजिटर्स लाइक टू नो इफ इट वाज फ्रॉम बर्थ और द रिजल्ट ऑफ एन इंसिडेंट, वेदर एनीवन एल्स इन द फैमिली सफर्ड फ्रॉम द सिमिलर डिसेबिलिटी और इफ एनी ट्रीटमेंट वाज बीइंग गिवन। कह रहे हैं अम्मी अब्बू को यानी मिस्टर अहत और मिसेस अहत को हर वक्त इन सवालात के बारे में जवाब देने पड़ते होंगे। कोई पूछ रहा होगा कि अच्छा ये गुड़िया को बचपन से ऐसा है, कोई दूसरा पूछ रहा होगा कि अच्छा बचपन से नहीं है ऐसा हुआ था, कोई तीसरा पूछ रहा होगा कि अच्छा किसी और को भी तो नहीं है इस तरह की बीमारी, यानी बच्चे को कोई एक को तो है गुड़िया को या कोई और भी फैमिली मेम्बर है कि जो इस तरह गूंगा बह रहा हो, या फिर कोई और यूँ भी पूछ रहा होगा कि भाई कोई दवाई शवाई भी चल रही है। इतने सारे सवाल सिर्फ एक दफा नहीं, रोजाना की बुनियाद पे जो है ये सवाल हो रहे होंगे और रोजाना की बुनियाद पे जो है वो कहानी चल रही होगी और रोजाना की बुनियाद पे ये जो आपके पास पेरेंट्स है वो परेशान हो रहे हैं। सो गोइंग टू नेक्स्ट वन, द क्यूरीज वर आंसर्ड बाय द पेरेंट्स हार्टली एंड विद ऑब्वियस Anguish. कह रहे कि ये जितने भी सवालात है ना वो दिल को चुभने वाले अंदाज में उन तक
लेके जा रहे होंगे, यानी उनको पहुंचाए जा रहे होंगे, वालदैन उनको जो है ना जवाब दे रहे होंगे बहुत ज्यादा गुस्से के साथ, बेचैनी के साथ, परेशानी के साथ, उन क्यूरी कह रहे कि सबसे जो मुझे खराब बात ये लगी कि जो लड़की थी, जो छोटी सी गुड़िया थी, वो would be often gravely looking on, her eyes aghast with horror and self pity, aware that she was the topic of discussion. कह रहे कि उस गुड़िया के साथ हर वक्त इस तरह की बातें, हर वक्त लोग उसके बारे में सवाल जानते रहेंगे, तो उस गुड़िया के साथ क्या गुजर रहा होगा जो हर वक्त टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी, जो हर वक्त उसके बारे में बात की जा रही है, वो खौफ के अंदर होगी, उस सेल्फ पिटी के अंदर मौजूद होगी, उसे अपने आप के ऊपर रहम आ रहा होगा, अपने आप के ऊपर जो है ना वो ये समझे कि वो परेशान होगी. She had no other pastime than to run around the house or play with the servants. उसके पास जो है जब भी देखो वक्त को इस्तेमाल करने का दो ही तरीके होंगे, घर के अंदर इधर उधर घूमना और साथ साथ जो नौकर वगैरह है उनके साथ खेलना. She did not go to school as there was none there to cater for her needs. स्कूल नहीं जाती होगी, नहीं जा रही थी क्योंकि कोई उसका देखभाल करने वाला वहां पर नहीं था, उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं था. They had tried to teach her at home, but without success. हमने अपने कोशिश की होगी कि उनको ज्यादा उस बच्ची को घर पे पढ़ाए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली. She could only hear faintly. वो जो है ना बिल्कुल बेहोशी के आलम में सुन रही होगी क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, without feeling much. कोई जो है ना feelings नहीं होगी. When once shouted close to her ears and she could not speak nothing except utter animal like cries of happiness and sorrow and say crudely such words as mama or uncle. Kare bas wo koi aake uske kaan ki taraf zor se chillayega jab usko kuch samajh mein nahi aayega, balki aisa hoga ki wo jo hai na wo janwaron wali aawaz baba mama tata mama us tarah ki aawaz nikal ke khushi ya gham ka izhar kar. And her all other communications were confined to gestures with the head. और बाकी जो उसे बोलना होगा ना वो सब अपने हाथ वगैरह हिला के वो बता रही होगी. Which brought a fleeting sensation of torture to her whole being, and then one failed to follow what she was saying. और जब वो कुछ कहने की कोशिश कर रही होगी अपने हाथ से, हाथ के gestures से, तो फिर क्या होगा? कोई अगर नहीं समझ पाएगा तो वो बच्ची के ऊपर और ज्यादा जो है ना मुतासिर होगी, वो बच्ची और ज्यादा जो है ना परेशान हो जाएगी. देखो मैं कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मेरी बात को यहाँ पर नहीं सुना जा रहा, नहीं समझा जा रहा, वो परेशान हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट. यहाँ तक इंशाल्लाह फिर जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की कहानी करेंगे, आगे समझेंगे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आप बेटा आप मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक उधर बेटा. और बेटा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है बेटा यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह, फिर हम अपने अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट. नो सर. अल्लाह खैर. मैं जो है इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सेंड करूंगा, तो आप उसे जो है कॉपी में लिख दीजिएगा. ठीक है. ओके सर. अल्लाह हाफिज़.